स्वागत है आपका विंध फर्स्ट में। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, श्री बाबूराव विष्णु पराडकर, जिन्हें हम पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ते हैं, हमारे प्रश्नों में भी उनका नाम होता है। उनके पौत्र हैं आलोक पराडकर जी। सांस्कृतिक पत्रकारिता में इनका नाम है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, कई अखबारों में इन्होंने अपना योगदान दिया है और ये एक साहित्यकार भी हैं। इनका परिचय साहित्य से जोड़कर, कला संस्कृति से जोड़कर भी देखा जाता रहा है। इनकी खुद की भी कविताएँ हैं, तो आज इनके व्यक्तिगत जीवन और व्यक्तित्व के बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे, बातें करेंगे इनसे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विंध फर्स्ट में। बहुत धन्यवाद। सबसे पहला प्रश्न मेरा यही है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जर्नलिस्ट और साहित्यकार के रूप में आपका जीवन कैसा रहा है, कैसे इसकी शुरुआत हुई है? इसके पीछे शायद ये पृष्ठभूमि हो कि मेरे दादाजी बाबूराव विष्णु पराडकर बहुत बड़े पत्रकार थे और जब भी मैं किसी से मिलता था तो लोग उनका जिक्र करते थे, तो उनके प्रति मेरे मन में एक बहुत ही उस तरह की एक अच्छी छवि थी और मैं उन्हें एक आदर्श की तरह देखता था और कहीं ना कहीं एक प्रेरणा थी मेरे जीवन में कि मुझे लगा कि मुझे भी इस क्षेत्र में आना चाहिए। और वास्तव में इसकी शुरुआत भी उन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि मैं जब एक बार ग्रेजुएशन के दौरान अपने कॉलेज की खबर लेके आज अखबार गया तो लोगों ने मेरा परिचय जानने के बाद कहा कि तुम तो पराडकर जी के पौत्र हो और तुम केवल अपने कॉलेज की नहीं और दूसरे कॉलेजों की भी खबरें हमारे लिए किया करो। तो इस तरह एक शुरुआत हुई और पहले मैंने जो भी महाविद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनकी कवरेज शुरू की, उसके बाद कुछ और साहित्यिक सांस्कृतिक खबरें शुरू हुई और फिर मुझसे कहा गया कि तुम कार्यालय में बैठा करो, कुछ देर समय दिया करो। धीरे धीरे इस तरह मैं आज अखबार से ही, जो मेरे दादाजी का अखबार था जिसमें मेरे दादाजी संस्थापक संपादक के रूप में रहे हैं, उसी अखबार से मेरे पत्रकारिता जीवन की शुरुआत हुई। लगभग 10 वर्षों तक बनारस के आज अखबार में और कुछ दूसरे अखबारों में काम करने के बाद मैं लखनऊ चला आया और वहाँ करीबन 20 सालों तक मैंने अमर उजाला, हिंदुस्तान, जन संदेश टाइम्स, दैनिक जागरण, इन सारे अखबारों में काम किया और पिछले कुछ एक दो सालों से मैंने अखबार की नौकरी छोड़कर स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की है और मैं कई अखबारों में स्तंभ लिखता हूं, साथ ही कला संस्कृति की अपनी एक पत्रिका नादरंग का संपादन करता हूं और संस्कृति विभाग की जो कुछ पत्रिकाएँ होती हैं जैसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की पत्रिका है छायानट और इसी प्रकार अयोध्या शोध संस्थान की पत्रिका है साक्षी, तो इनका भी अतिथि संपादक के रूप में कार्य करता हूँ। हिंदी भाषा, आप मराठी भाषा से संबंध रखते हैं, तो हिंदी की भाषा में आना, उसको सहज रूप से अपना लेना, उससे लगाव, और ये संभव कैसे हो पाया? हिंदी पत्रकारिता में जो मराठी भाषी पत्रकार हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान किया है, खासकर हिंदी पत्रकारिता का गढ़ रहा है बनारस और बनारस में बहुत सारे मराठी भाषी पत्रकारों ने हिंदी पत्रकारिता की सेवा की है, जिसमें बाबूराव विष्णु पराडकर, लक्ष्मण नारायण गर्दे, रघुनाथ खाडिलकर, उनके पहले दुबेकर जी जो कोलकाता में भी थे। कह सकते हैं कि हमारे जो दादाजी थे वो तो एक पूरे महाराष्ट्र के परिवेश से गहरे तक जुड़े हुए थे, क्योंकि उनके पिताजी महाराष्ट्र से बनारस आए थे और फिर बिहार में वो एक शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। लेकिन हम लोग उत्तर प्रदेश के ही परिवेश में पले बढ़े, तो इसलिए हिंदी पर कहें कि एक मराठी से ज़्यादा लगाव हिंदी से था। पराडकर जी मराठी भाषी थे लेकिन उन्होंने पत्रकारिता को इस तरह अपनाया कि हिंदी के निर्माण में उनके योगदान को आज हम याद करते हैं। उन्होंने बहुत सारे शब्दों का निर्माण किया, उनका प्रचलन किया, जैसे आज हम राष्ट्रपति शब्द की चर्चा करते हैं, मुद्रा स्फीति शब्द की चर्चा करते हैं, श्री और श्रीमती शब्द की चर्चा करते हैं, उनका बहुतायत में प्रयोग होता है। इसी प्रकार बहुत सारे जब श्री लिखते हैं तो उसके लिए सर्वश्री शब्द लिखते हैं, तो ये सारे शब्द पराडकर जी के बनाए हुए, उनके चलाए हुए शब्द हैं जिसे आज हिंदी ने
अपनाया है और जिसका बहुतायत में प्रयोग होता है। जब आप कविताओं की रचना करते हैं, जैसे कि हर रचना के पीछे की अपनी अलग कहानी होती है, तो आपकी रचनाओं के पीछे क्या कहानी है? जैसे आपकी रचना है अजूबे की बेचैनी, इसका नाम ही एक अजूबे की तरह की, अजूबे की बेचैनी, तो आपने नाम क्या सोच कर रखा, इसके पीछे की क्या कहानी है या इस रचना के पीछे की क्या कहानी है? पहले थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि उस कविता की कुछ पंक्तियां आपको सुनाऊं। एक अजीब बेचैनी से भरा रहता हूं इन दिनों, उठता हूं और खुद को बाजार में पाता हूं, ढेरों रंग बिरंगे सामान बिखरे हैं चारों ओर और मैं जानता हूं कि इनमें से ज़्यादातर की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं कार्ड से पेमेंट करता हूं, मुस्कुराता हूं, मैं मल्टीप्लेक्स में जाता हूं यह जानते हुए कि मैं जो फिल्म देख रहा हूं वह कुछ ही हफ्तों बाद टीवी पर आने वाली है। मैं महंगी आइसक्रीम खाता हूं, मैं महसूस करना चाहता हूं कि कोई है जो मुझे देख रहा है। यह सब कुछ करने का मैं संतोष का अनुभव करना चाहता हूं, खुद में भरोसा जगाना चाहता हूं कि मैं भी अपने आसपास के लोगों की तरह हूं, उनमें शामिल हूं, उनकी भीड़ का हिस्सा हूं, कोई अजूबा नहीं हूं मैं और न ही किसी पिछली सदी का प्रतिनिधि हूं जैसा कि मेरी पत्नी या बच्चे मुझे मानते हैं। तो ये जो एक अजूबापन है वो इसलिए ये कहा गया है कि आज बाजारवाद हमारे चारों ओर हावी है और हम कहीं भी जाते हैं जैसे कि अपने को बाजार से घिरा हुआ पाते हैं। आज मल्टीप्लेक्स हैं और बाजार जो माल तरह तरह के बने होते हैं जहां एक पर एक चीज़ें फ्री मिलती हैं, तो बहुत सारे लोग जो आज हैं जिसमें मैं भी अपने को शामिल समझता हूं, तो मुझे लगता है कि बाज़ार में सबसे ज़्यादा एक परायपन का बोध होता है मुझे कि मुझे इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और बहुत सारे भारतीय परिवेश के जो लोग हैं उन्हें बाजारवाद की इस तरह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो समाज के दबाव में उन्हें लगता है कि अगर वो बाजारवाद का हिस्सा नहीं होंगे तो वो पिछड़े समझे जाएंगे, वे अजूबे समझे जाते हैं। साहित्य से जुड़े हुए हैं आप, तो मेरा प्रश्न पत्रकारिता के क्षेत्र में है कि सांस्कृतिक पत्रकारिता जर्नलिज्म ये अब कितना, इसका क्या पतन हो रहा है या फिर अखबारों में अब इसको कितनी जगह मिल रही है, लोग इसे कितना पढ़ना चाह रहे हैं आज के दौर में? सांस्कृतिक पत्रकारिता इन अर्थों में भिन्न है कि उसमें वो समाचार के साथ एक विचार भी होता है, एक मूल्यांकन भी होता है। अगर नाटक हो रहा है तो हम नाटक का वर्णन तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखते हैं कि ये नाटक दर्शकों को बहुत प्रभावित नहीं कर सका, या इसका अभिनय बहुत अच्छा नहीं था, या इसका अभिनय बहुत अच्छा था, या ये कलाकार ने गाया जब कोई ख्याल सुनाया तो ये बहुत अच्छा लगा, या भजन सुनाया तो ये बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा तो क्यों अच्छा लगा, अगर कोई जानकार आदमी है तो ये भी बताता है कि इन्होंने ताने बहुत अच्छे ली, इनके तानों की तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत क्लिष्ट लयकारी थी, तो हम ये सारी चीज़ बताते हैं। तो सांस्कृतिक पत्रकारिता दूसरी पत्रकारिता से थोड़ी इन अर्थों में भिन्न हो जाती है। लेकिन आज दिक्कत क्या हुई है कि जो अखबारों में सांस्कृतिक पत्रकारिता को जो स्थान मिलना चाहिए वो स्थान धीरे धीरे कम हुआ है, और कम होने के साथ ही जो पत्रकारिता हो रही है उसमें इस तरह के जानकार लोगों का एक अभाव भी हुआ है कि सांस्कृतिक पत्रकारिता के लिए आपको अगर संगीत की रिपोर्टिंग करने के लिए कोई पत्रकार जा रहा है तो उसे राग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, ताल के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ये राग सुबह का राग होता है, यह शाम का राग होता है। अगर कोई रचना जो सुबह के राग पर आधारित है शाम को प्रस्तुत की जा रही है तो इस तकनीकी गलती की ओर भी ध्यान दिलाया जाना चाहिए, और अगर ताल है झप ताल है तो 10 उसमें 10 मात्राएं होनी चाहिए, उसको जानना चाहिए तभी वो उसके बारे में लिख सकता है कि ये ऐसा हुआ, ये गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, ये सही हुआ तो अच्छा हुआ तो क्यों। तो आज इस तरह की चीज़ों की कमी हुई है, आज इस तरह के विचारवान पत्रकारों की या जानकार पत्रकारों की जो सांस्कृतिक पत्रकारिता में होने चाहिए इस तरह के लोग वो नहीं हैं, कम हुए हैं। मेरी अपनी पत्रिका एक नादरंग है जो मैंने शुरू की है, जो संगीत कला और रंगमंच पर आधारित है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि ये जो थोड़ा सा एक खाई आई है इस क्षेत्र में, जो एक अंतराल आया है उसको भरने की छोटे रूप में ही एक प्रयास हम सारे लोग कर रहे हैं। साहित्य कला संस्कृति भारत की पहचान है, भारत के बाहर विदेशों में भी नाम होता है संस्कृति को लेकर। आज के वेस्टर्न कल्चर में अगर हम देखेंगे तो भारत भी धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ता जा रहा है,
तो यहाँ के युवाओं को आप कैसे देखते हैं कि अब जो लोग हैं उनके अंदर साहित्य किस तरह से जिंदा है और आने वाले समय में कितना जिंदा साहित्य लोगों के अंदर रह जाता है? युवा पीढ़ी है वो हिंदी साहित्य से उस तरह करीब नहीं है, उतनी जुड़ी हुई नहीं है, और निश्चय ही एक चिंता की बात है। आज कोई कविता का संग्रह निकलता है, आज हमारी आबादी जो है 1 अरब 20 करोड़ है और उसमें बहुतायत में हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन जब कोई किताब निकलती है, कोई कविता संग्रह निकलता है तो 1000-2000 कापियाँ निकलती हैं और अगर बिक जाती हैं तो बहुत सफल मानी जाती है वो किताब। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि हिंदी के पाठक, हिंदी मतलब खासकर हिंदी साहित्य के पाठक कम हुए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये स्थिति मतलब कभी इतनी बुरी होगी कि हिंदी साहित्य ख़त्म हो जाएगा या पुस्तकें छपनी बंद हो जाएंगी, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे उनकी चीज, उनका तरीका ज़रूर बदल सकता, हो सकता है कि अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि भाई ई बुक का ज़माना है और बिक्री के भी तरह तरह के तरीके हुए हैं, हम लोग अमेजोन से किताबें खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट से किताबें खरीदते हैं, तो इनका तरीका ज़रूर बदल जाएगा, लेकिन साहित्य की जो अपनी एक हमारे जीवन में और हमारे समाज में जो उसका स्थान है, वो मुझे नहीं लगता कि वो स्थान कभी ख़त्म होगा, क्योंकि वो प्रेमचंद ने तो बहुत पहले कहा था कि साहित्य जो है राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो ये जब भी हम अपने जीवन के सुख दुख में कहीं उदास होते हैं कभी, तो हम साहित्य के करीब चले जाते हैं, हमें कविताएं याद आती हैं, हमें बहुत सारी उपन्यास याद आते हैं, हम किताबें पढ़ने लगते हैं। तो एक साहित्य की हमारे जीवन में और हमारे समाज में निश्चय ही एक जगह है और उस जगह को कोई दूसरा उसका जो है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसी कोई झलक रही होगी जो बाबूराव विष्णु पराड़कर और आपके बीच की रही होगी, जैसे दादा और पोते का जो रिश्ता होता है वो अनोखा होता है, तो उसमें भी कुछ ऐसी चुनिंदा याद होगी जो आप याद करते होंगे, कोई ऐसी झलक होगी जो आप बताना चाहेंगे अभी? हाँ देखिए, वैसे मैंने तो अपने दादाजी को नहीं देखा क्योंकि मेरे पिताजी जब छोटे थे तब उनके पिताजी का देहांत हो गया, और जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ तो मैं भी बहुत छोटा था, तो इसलिए अपने दादाजी को देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला। एक तो वो बहुत ही अच्छा, उनकी भाषा थी और बहुत अच्छे विचार थे, लेकिन इसके साथ ही उनका स्वाभिमान, वो मुझे लगातार प्रेरित करता रहा कि किस तरह वो एक स्वाभिमानी रूप में पत्रकारिता में एक स्वाभिमान का बनाए रखना बहुत बड़ी बात है, खासकर जब आदमी संघर्षों में होता है। रणभेरी करके वो पत्र निकालते थे जो एक मतलब भूमिगत पत्र था जिसे चोरी छुपे निकाला जाता था और जगह जगह उसके लिए पता चला, जब अंग्रेजों को पता चलता था तो वहाँ छापे पड़ते थे, और वो तब तक छापे पड़ने के पहले ही वो इन लोगों के इतने खुफिया लोग रहते थे कि इन्हें पता चल जाता था कि आज यहाँ छापा पड़ना है, तो उसके पहले ही साइक्लो स्टाइल की जो मशीनें होती थी और ये सारी चीज़ें हटा दी जाती थी। इस पर एक सीरियल भी बना हुआ है रणभेरी पे, तो कभी मौका लगे तो आप उसे देख सकते हैं यूट्यूब पे। तो एक क्रांतिकारियों की तरह इन्होंने पत्रकारिता की, कैसे छुप के अखबार निकाला जाए और उसको बेच लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता था, कभी जो दूध ले जाने वाले डब्बे होते हैं उनके अंदर अखबार भर के, कभी जो शव यात्राएं निकल रही हैं उसमें अर्थियों में अखबार छुपा के लोगों तक भेजा जाता था, पाठकों तक पहुंचाया जाता था। तो मुझे जो उनके जीवन की सबसे अच्छी बात लगती है, और स्वतंत्रता के बाद भी जब बहुत सारे उनके नाम, उनका बहुत नाम हो गया था, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं किया, और जब उन्हें अपने अखबार में भी कई बार ऐसे मौके आए कि उन पर दबाव बढ़ा या मालिकों का दबाव बढ़ा, तो उन्होंने अखबार छोड़ दिया और दूसरा अखबार शुरू किया, वे दूसरे अखबार में संसार में चले गए, और पराड़कर जी के इतना मतलब लोगों में इतना प्रभाव था कि जब वो दूसरे अखबार में गए तो जो उनका पहला अखबार था उसका प्रकाशन तो होता था लेकिन उसकी बिक्री बहुत कम हो गई, क्योंकि सबको पता चल गया कि पराड़कर जी संसार में चले गए। तो कुछ समय में ही संसार की बिक्री इतनी बढ़ने लगी और आज अखबार की बिक्री कम हो गई, तो फिर मालिकों ने उन्हें फिर से बुलाया उनके स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। तो मुझे पराड़कर जी से जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा मिलती है
वो ये है कि एक तो उनकी भाषा, उनके विचार, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह है ही है, उसमें तो महान थे ही, लेकिन अपने स्वाभिमान को बचाते हुए कैसे एक पत्रकार का दायित्व का निर्वाह करना है, मुझे उनके जीवन से ये ज्योति हमेशा आती रही थी। अभी हमने सुना एक ऐसे साहित्यकार को जिनको साहित्य और ये क्षेत्र विरासत में मिला है। विरासत में मिला है कहने का मतलब है कि इनके दादाजी इसी फील्ड पर थे और अपने स्वाभिमान के साथ उन्होंने, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था तब भी वो लड़ते रहे, उसके बाद आगे आए और इसके बाद अब ये एक ऐसे फील्ड पर है जहां पर अभी भी स्वाभिमान के साथ, हालांकि मीडिया को हमेशा ये देखा जा रहा है कि आने वाले समय में किस तरह से विकास से दूर हो रहा है, जैसे कि अभी हमने कुछ मुद्दों पर बात की, लेकिन साहित्य जो है, सांस्कृतिक पत्रकारिता अभी भी बची हुई है, कहीं ना कहीं मैगजीन में बची हुई है, उनका स्तर कम हो रहा है लेकिन वो अभी भी है। तो युवाओं के लिए ये बड़ी बात है कि युवा आगे आकर पश्चिमी सभ्यता से थोड़ा सा हटकर कुछ समय निकालकर साहित्य की ओर भी बढ़ें, साहित्य को पढ़ने की कोशिश करें, रचनाओं को पढ़ें, कवियों को पढ़ें। और इसी पर बात की, सामाजिक मुद्दों पर भी बात की। इसी के साथ जुड़े रहिए विंध्य फर्स्ट के साथ।